इज वेल्थ, इसका अंदाज़ा आज के मौजूदा हालात में हमें बखूबी हो रहा है। जब दुनिया के तमाम फिजिशंस और हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स इस चीज़ के ऊपर बज़िद हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करें, और इम्यूनिटी बेहतर एक ही सूरत में हो सकती है, आप अच्छा खाएं, अच्छा सोएं और अपनी एक्सरसाइज करें। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस उसके यूनिट्स पे होती है। अगर तमाम यूनिट्स प्रॉपर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है। इंसानी जिस्म भी तमाम ऑर्गेनिज्म का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो आपके तमाम सिस्टम को एक ही वक्त में कोऑर्डिनेशन दे और आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करे। एक वाहिद प्रोटोकॉल और मैकेनिज्म है जो हमें इस चीज़ में मदद कर सकता है, वो है एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स। चूँकि इंसान फितरतन एक ही रूटीन से बोर हो जाता है, फिटनेस वर्ल्ड के अंदर इस चीज़ को फोकस करते हुए बहुत सारी नई नई इजादात होती जा रही, नई नई फिटनेस, नई नई रूटीन्स बन रही हैं, और उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि इंसान को बोरियत से निकाला जाए और उसकी हेल्थ को बेहतर किया जाए। आज का हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है वो है कार्डियो और बॉडी कंडीशनिंग, और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा है। उनके टखनों में ताकत इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनके घुटनों में इतनी एनर्जी नहीं होती, उनकी बोन्स वीक होती हैं, मसल्स वीक होते हैं, तो ये बड़ी नॉर्मल लाइट मूवमेंट्स हैं। चलिए हम आज के सेशन की तरफ चलते हैं। Thank you.
आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक और सजेशन कमेंट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की नेक्स्ट एपिसोड तक खुदा हाफिज़।